मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बरसात के इस मौसम में राज्य में भारी बारिश के कारण हुई जानमाल की व्यापक क्षति पर दुख व्यक्त किया गया। इस आपदा में काल का ग्रास बने लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। राजस्व विभाग ने आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को हुए नुकसान का एक विस्तृत प्रस्तुति इस पर दी। मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन का निर्णय भी लिया। इसके तहत समझौता ज्ञापन 40 वर्षों के लिए होगा और रॉयल्टी की दरें 12 वर्ष के लिए 15%, अगले 18 वर्षों के लिए 20% और शेष 10 वर्षों के लिए 30% होंगी। इसके उपरांत परियोजना राज्य सरकार को बिना किसी लागत और सभी तरह की देनदारियों और ऋण भार से मुक्त वापस मिल जाएगी। हालांकि बढ़ी हुई अवधि के लिए राज्य को अदा की जाने वाली रॉयल्टी 50% से कम नहीं होगी। बैठक में 210 मेगावाट क्षमता की लुहरी चरण एक, 66 मेगावाट क्षमता की धौला सिद्ध, 382 मेगावाट क्षमता की सुन्नी बांध और 500 मेगावाट क्षमता की डुगर जल विद्युत परियोजना के लिए सतलुज जल विद्युत निगम एवं NHPC को प्रदत्त बाधा रहित निःशुल्क विद्युत रॉयल्टी की छूट वापस लेने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जाने वाले जल उपकर की दरों का युक्तिकरण करने का भी निर्णय लिया है। बैठक में हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 65,000 रुपए से बढ़ाकर 2,00,000 रुपए करने की भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 के लिए राज्य में मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने का भी निर्णय लिया है। इसके तहत अब सेब और आम का समर्थन मूल्य 10.50 रुपए के बजाय 12 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। इसके अतिरिक्त किन्नू, माल्टा और संतरे के लिए समर्थन मूल्य 9.50 रुपए से बढ़कर 12 रुपए प्रति किलोग्राम, जबकि नींबू एवं गलगल का समर्थन मूल्य 8 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। बैठक में मिड डे मील योजना के तहत कुक सह हेल्पर के मानदेय में प्रथम अप्रैल 2023 से 500 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी की स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे उन्हें प्रतिमाह 3500 रुपए से बढ़कर 4000 रुपए का मानदेय प्राप्त होगा। इस निर्णय से इस योजना के तहत कार्यरत 21,431 व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत 15 अगस्त 2023 से गैर जनजातीय क्षेत्रों में दिहाड़ी की दरें 224 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए करने और जनजातीय क्षेत्रों में 280 रुपए से बढ़ाकर 294 रुपए करने को भी स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में राज्य में सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में 874 उम्मीदवारों को पटवारी के रूप में और 16 पात्र चेनमैन को चयनित और प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें अगले 5 वर्षों में राज्य में तैनात किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कीरतपुर मनाली फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात नियमों के उल्लंघन को कम करने और सड़क सुरक्षा मानदंडों को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए 3 नए स्थापित यातायात सह पर्यटक पुलिस स्टेशनों के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 48 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 35 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में 31 मार्च 2023 और 30 सितंबर 2023 तक संयुक्त रूप से 11 वर्ष के दैनिक भोगी और अंशकालिक सेवाओं को पूर्ण करने वाले अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने वन भूमि में गिरे पेड़ों की गणना, निष्कर्षण और निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी दी। इससे स्थानीय स्तर पर लकड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और इसे अपरिष्कृत रूप में ढालने में भी मदद मिलेगी। साथ ही परिवहन लागत में कमी आएगी और राजस्व में वृद्धि होगी। इससे फील्ड स्टाफ की दक्षता में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 के तहत सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों, बोर्डो, निगमों, सरकारी उपक्रमों और अन्य संस्थानों में ई टैक्सी किराए पर लेने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को अनुमति प्रदान की गई। इस योजना से युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और राज्य सरकार ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% उपदान प्रदान करेगी। इन्हें वाहन प्रदूषण को कम करने और हरित राज्य बनने की ओर आगे बढ़ने में दूरगामी भूमिका निभाएगा। ये योजना 2 अक्टूबर 2023 से कार्यान्वित की जाएगी। मंत्रिमंडल ने श्रम एवं रोजगार विभाग का नामकरण श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन यानी प्लेसमेंट विभाग के रूप में करने की मंजूरी प्रदान की है।
फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए सोनी ज्वेलर्स। आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारे। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।